हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपको पेटीएम की तरफ से फ़ोनपे की तरफ से अगर आपको कॉइन DCX का फ्लैट 100 रुपीज़ का अगर आपको एक गिफ्ट वाउचर मिला हुआ है तो कैसे आप इसे रिडीम कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर आप कॉइन DCX में कैसे आप अकाउंट खोलेंगे और आखिर कॉइन DCX है क्या और इस 100 रुपीज़ को आप अपने बैंक अकाउंट में, दैट मीन्स कि आप अपने वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना लेट किए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और एट द एंड में वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप इसे रिडीम करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक शो आइकॉन देखने को मिलेगा। सो आपको जस्ट वहाँ पर शो आइकॉन पर क्लिक करना है और उसके बाद ये कोड आपको शो हो जाएगा। इस कोड को सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। मुझे ये कोड दिख रहा है, मे बी आपको एक डिफरेंट कोड मिले या फिर सेम कोड भी हो सकता है, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि सिंपली सबसे पहले आपको कॉइन DCX एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू से भी आप जाकर के डायरेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मुझे किसी टाइप का कोई भी कमीशन नहीं मिलने वाला है, अदरवाइज आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर के कॉइन DCX एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको लॉगिन या तो फिर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑलरेडी एक कॉइन DCX का अकाउंट है तो सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप विथ ईमेल पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी, फुल नाम और एक नया पासवर्ड देकर के आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, उसका जो भी प्रोसेस होता है आपको सिंपली फॉलो कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास पहले से ही एक अकाउंट है, तो मैं यहां से जा करके लॉगिन होने वाला हूं। सो एज यू कैन सी, दिस इज माय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज, सो फ्रेंड्स मैं पासवर्ड अपना भूल चुका हूँ और अब मैं अपने पासवर्ड को रीसेट करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हेयर इज आइकन फॉरवर्ड पासवर्ड, यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे अपना ईमेल आईडी क्लिक कर देना है, दैट मीन्स कि एंटर करना है 8985। उसके बाद मुझे न्यू पासवर्ड एंटर करना होगा। ठीक है ना, तो न्यू पासवर्ड में जो भी रख लेता हूँ अपना, ओके। सो यहाँ पर आपको क्या मांग रहा है कि मिनिमम एक लोअर केस, अपर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सो अपर केस आ गया, अब एक हम लोग और एक कुछ भी दे देते हैं। मैं फ्रेंड्स आपको ये दिखा दे रहा हूँ, बट मैं ये पासवर्ड जो है फिर से मैं चेंज कर दूँगा। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब सारे क्राइटेरिया हमने फुलफिल कर लिया है, और अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे और सेम पासवर्ड हम लोग फिर से क्लिक कर लेते हैं। और तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। लाइक आपका जो पासवर्ड है उसमें अपर लेटर, लोअर लेटर और स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स, इन सभी का एक मिक्सचर होना चाहिए आपका पासवर्ड। सो ऐसा पासवर्ड रखेंगे तो ही ये एक्सेप्ट करेगा आपका अकाउंट। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपको लिखा हुआ है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस विड्रॉवल विल बी पॉज फॉर 24 आवर्स आफ्टर चेंजिंग योर पासवर्ड। ठीक है, सबमिट। तो यहाँ पर क्या बताया गया मुझे कि आपके द्वारा जो विड्रॉ होगा वो नेक्स्ट 24 आवर के लिए होल्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने रिसेंटली पासवर्ड जो है चेंज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें OTP आ चुका है 381358। सो फर्स्ट हमें आया हुआ है 381358। ईमेल पे भी हमें सेम एक OTP आया होगा 381358। ठीक है, ईमेल पर हमें भी आया हुआ है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी 321, ये रहा मेरा कूपन, सॉरी कूपन नहीं, ये हमारा पासवर्ड है OTP वन टाइम पासवर्ड। इसे फिर से मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा इन द ईमेल सेक्शन एंड जस्ट पेस्ट, एंड एज यू कैन सी योर पासवर्ड हैज़ बीन रिसेट, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। हमें लॉग इन पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप लॉग इन होंगे तो उस समय क्या होगा कि आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर ना एक OTP वेरीफिकेशन के लिए कोड जाता है, तो उस OTP को मैं अब यहाँ एंटर करता हूँ जो कि मुझे मिल चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर अपना लॉग इन कर लिया है, और आप मेरा नाम देख सकते हैं राहुल राय। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली फ्रेंड्स थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं डू यू हैव ए कोड, तो फ्रेंड्स सिंपली हम अपने फ़ोन पे अकाउंट पर जाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये रहा कोड, हम सिंपली इसे कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे एंड यू हैव ए कोड के सेक्शन पर एंटर कोड पे हम पेस्ट कर देंगे और सिंपली हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं 100 ऑफ बिटकॉइन एडेड, कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, सो व्यू इन्वेस्टमेंट। जब हम क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल
पोर्टफोलियो। 100 रुपये का मैंने खरीदा था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो 100 रुपये 26 पैसे का मेरे पास अभी बिटकॉइन है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर फिर से मैं बिटकॉइन और बाय कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस 100 रुपये को ना किसी को मैं भेज भी सकता हूँ या फिर मैं किसी से रिक्वेस्ट ले भी सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे तरीके होते हैं बिटकॉइन को रिसीव करने का, फिर सेंड करने का। बट सिंपली अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बिटकॉइन को बाय करना है, तो यहाँ पर सिंपली आप आएंगे यहाँ पर और बिटकॉइन को चूज़ करेंगे, कितना आपको बाय करना है कितना नहीं, वो सब आप यहाँ पर सिंपली आएंगे और बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। इन रुपीज़, मान लीजिए कि मुझे 200 रुपये का बिटकॉइन खरीदना है, तो मैं यहाँ पर 200 रुपये लिख दूंगा एंड बाय BTS पर क्लिक करूंगा। जैसे कि देख सकते हैं इनसफिशियंट बैलेंस दिखा रहा है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक करके ना एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर हमें डिपॉजिट करना होता है। सो ऐड फंड पर हम लोग फिर से क्लिक करेंगे, सो प्रोसीड होगा और आप इजीली अपने UPI के थ्रू से यहाँ पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने 200 एंटर किया एंड कंटिन्यू विद पेटीएम पेमेंट अकाउंट। सो मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा होना चाहिए, तो मैं इजीली यहाँ पर जो है 200 रुपये ऐड कर सकता हूँ। मैं फ्रेंड्स बता दूँ आपको कि अगर आपके पास पेटीएम का बैंक अकाउंट नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया रखा है और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाकर रखा है कि कैसे आप एक पेटीएम पर अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं। तो वहाँ पर इजीली जाकर के आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके थ्रू से आप यहाँ पर ट्रेडिंग भी कर पाएंगे इन द BTS बिटकॉइन। क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए जैसे देख सकते हैं वहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू से ही आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं, आपके पास जो भी बैंक अकाउंट होगा उसके थ्रू से आप अकाउंट असाइनमेंट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पर जस्ट सिंपली आपको फंड ऐड करना होगा एंड यू कैन बाय एनी क्रिप्टो करेंसीज। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे करेंसीज हैं कि सब लॉस में ही है और यहाँ भी जैसे कि देख सकते हैं बिटकॉइन भी फिलहाल अभी लॉस में चल रहा है। जब मैंने दोपहर को चेक किया था तो जो बिटकॉइन है ये ग्रीन में था, दैट मीन्स कि प्रॉफिट में था, पॉजिटिव में था, बट ये भी फिलहाल नेगेटिव में आ चुका है। तो फिर अब हम जानते हैं कि क्या हम उस पैसे को, दैट मीन्स कि 100 रुपीज़ को इजीली विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम अपने इन्वेस्टमेंट सेक्शन पर आते हैं और जब बिटकॉइन पर क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं BTS के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉक्ड बैलेंस। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ लॉक्ड बैलेंस कितना ना 100.06 रुपीज़ का जो है बैलेंस आप यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जितना भी होगा, जितना भी ज़्यादा आपके पास बैलेंस रहेगा उससे आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन यही है कि अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो यू कैन गो विथ दैट कूपन कोड ऑफ 100 रुपीज ऑफ बिटकॉइन बहुत ही इजीली। बट ये क्या है कि लॉक्ड हो चुका है, तो ना इसे बेच सकते हैं और ना ही इसका कुछ यूज कर सकते हैं। हाँ, यूज कर सकते हैं आप कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद मान लीजिए 100 रुपये का जो आपका बिटकॉइन अगर कहीं अचानक 200 रुपये का हो गया, तो आप इजीली नेक्स्ट एक्स्ट्रा जो 100 रुपये है आप इजीली अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कैसे आप विड्रॉ करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको बिटकॉइन सेक्शन पर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं व्यू प्राइस चार्ट डिटेल्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर सेल पर क्लिक करना है। और सेल पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए कि आपका जो बिटकॉइन है वो 100 का आप 200 हो गया है, तो आपको 100 रुपये विड्रॉ करना है। सिंपली आप 100 रुपये पर क्लिक करेंगे एंड सेल BTS पर क्लिक करेंगे, तो वो जो है आपका बिटकॉइन जो है सेल हो जाएगा और आपके वॉलेट में पैसा जाएगा और सिंपली आप उस वॉलेट से आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।